आज सूरत लाजपोर जेल के ऊपर नारायण साईं जी का 48वां जन्मदिन मना रहे हैं भक्त लोग। श्री नारायण साईं का 48वां जन्मदिन है और सब साधकों ने मिलके उनके जन्मदिन की शुभकामना की और उनके लिए जल्दी दिया हो, उनके लिए सबने दिए जलाए और संकल्प किया कि पूज्य श्री और पूज्य नारायण साईं जल्दी बाहर आए, पूज्य बापू जी और नारायण साईं जल्दी बाहर आए। यहाँ और देश विदेश के भक्त लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, अलग अलग जगहों से आए भक्तों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? केतन, मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आज यहाँ किस लिए आए? साईं जी के दर्शन करने, उनका जन्मदिन है, उनकी जन्मदिन की शुभकामना देने आए थे। आपको नहीं पता कि नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सजा होगी? पता है, उसके बावजूद मतलब आप लोग हमारे लिए साईं जी और बापू जी भगवान है, इसलिए हम दोनों उनके दर्शन करने आए थे, उनका जन्मदिन था। मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं? श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। क्या कारण है कि इतना होने के बाद भी आज भी श्रद्धा बरकरार है? उन्होंने जो हमको दिया है वो हम उनका बयान नहीं कर सकते हैं। क्या मिला ऐसा तो कि मतलब सब कुछ मिला है, जो हुए हो डटे हुए हो सब कुछ मिला है, उनका बयान नहीं कर सकते हमको इतना कुछ मिला है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, उनको क्या पता है उनको हमको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। हमको पता है हमको क्या मिल रहा है उनके दर्शन से और उनके सबसे। मतलब आज भी नारायण साईं आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते? निर्दोष मानते हम उनके, हमारे लिए वो भगवान है, बापू जी और साईं जी दोनों हमारे लिए भगवान है। आज भी हमारी श्रद्धा, सभी भक्तों की श्रद्धा टिकी हुई है और उसमें कमी नहीं आई। प्रभु आप भी वापिस आए हो? नहीं, नासिक से। अच्छा, नासिक से। नासिक समिति, नासिक से यहाँ मतलब नारायण साईं जी का जन्मदिन मनाने लगे। क्या मिला ऐसा तो संत आसाराम जी बापू और नारायण, उसका बयान नहीं कर सकते। इतना मिला है, बापू जी ने इतना दिया है। लोग तो बोलते है गलत काम होते है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक मैंने 96 में दीक्षा ली, लेकिन आज तक ऐसे गलत काम देखे नहीं ना सुने नहीं। ये तो लांछन लगाने वाले हैं। मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं है? कुछ भी कमी नहीं है, हमारा पूरा परिवार बापू से जुड़ा है। मतलब आज भी नारायण साईं आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं हम लोग। आज पूज्य साईं जी का अवतरण दिवस है, जो कि भक्तों ने यहाँ धूमधाम से मनाया है, दिए जलाए हैं और साईं की रिहाई के लिए सभी ने प्रार्थना की है कि साईं के जल्द से जल्द दर्शन हो जाए। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं ये तो एक अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, अब तो आजीवन कारावास की सजा हो गई। भाई अंधविश्वास है तो देखो, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर के ऊपर भी श्रद्धा रखते हैं। हम हमारे बाप को देखने नहीं गए थे, माँ में श्रद्धा रख के हमने माना कि ये हमारे पिताजी हैं, तो श्रद्धा के बिना तो काम चलता ही नहीं है। और जिन्होंने श्रद्धा रखी है उनके जीवन में फायदे हुए हैं, उनके जीवन में परिवर्तन हुए हैं। कईयों को व्यसन था, कईयों के व्यसन छूटे हैं, कईयों के नौकरी धंधे में बरकत नहीं थी वो मिली है, कईयों को संतानें नहीं थी तो संतानें मिली हैं, तो ये श्रद्धा से ही मिली हैं। इसको अंधश्रद्धा कहने वाले ही अंधश्रद्धा रख रहे हैं। आपने देखा आज सूरत लाजपोर जेल के ऊपर नारायण साईं जी का 48वां जन्मदिन मना रहे हैं भक्त लोग। देश के अलग अलग भागों से भक्त लोग आए हैं और बोल रहे हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। भक्त आज भी आसाराम जी बापू नारायण साईं जी को भगवान मानते हैं और लगातार ये भक्त लोग सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत लाजपोर जेल से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए